हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो यार, आज हम सब लोगों का प्लान है समीर हिल्स जाने का। हम दो तीन हफ्ते से ट्राई कर रहे थे सारे दोस्त, बाकी आज जाके फाइनली हम निकल रहे हैं समीर हिल्स के लिए। और देखो, पूरी तैयारी हो चुकी है, छाता वगैरह सब ले लिया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, तो नो रिस्क, मुंबई है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो चलिए, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे हमारी कैसी रही जर्नी। तो गाइस, अभी ये हर्षित अपना छाता लाना भूल गया है, तो हम इसका छाता लेने जा रहे हैं और फिर चलते हैं समीर हिल्स के लिए। तो गाइस, अभी फाइनली हम निकल चुके हैं। 10:30 बजे का टाइम दिया था सबको, पर ठीक है, कुछ लोगों ने लेट कर दिया और 11 बजा दिए। ये चेहरे कुछ ऐसे हैं। भाई नाम बताओ। नाम क्या बताना? उदय ब्रह्मी। ठीक है, YouTube पे सब्सक्राइब करना, इसका भी चैनल है YouTube पे, तो सब्सक्राइब कर देना, उदय ब्रह्मी नाम से चैनल है। तो गाइस, अभी हम कुछ 30% रास्ता कवर कर चुके हैं और ये है योगेश भाई। तो योगेश भाई, अभी कितना टाइम बचा है समीर हिल्स में? 20 मिनट लगे हैं, ऊपर पहुंच जाएंगे, आ तो गए समीर हिल्स में। अच्छा, ये योगेश भाई पहले भी आ चुके हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है और कुछ लोगों का पीछे भी फर्स्ट टाइम है। तो गाइस, इनसे मिलिए, ये है अक्षय पाटीदार। हाय बोलो व्यूअर्स को। हाय 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 ब्रोस। तो कैसा लग रहा है अक्षय, फर्स्ट टाइम समीर हिल जाके? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है सुबह सुबह। मेरे को भी अच्छी खासी फीलिंग आ रही है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं समीर हिल, बहुत नाम सुना है। चलो अब देखते हैं, नजारा बताएंगे आपको, बहुत खूबसूरत नजारा है। अभी अभी फाइनली घाटी चढ़ चुके हैं और बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही है, आ रहे धीरे धीरे, वेट करते हैं उनका। इनसे मिलिए, ये है हर्षित नेगी। जीते मस्ती में जीते, ये हमें बता रहे, ये पहले भी जा चुके हैं समीर हिल्स, तो हमको भी गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। ऐसा 10 मिनट है, 10 मिनट पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, जेन्युइन। अभी हम समीर हिल्स आ चुके हैं और ये बाकी लोग अभी आ ही रहे हैं, का वेट करते हैं। क्या रोहित भाई, थक गए? निष्पादन केंद्र फट गया। तो गाइस, समीर हिल से देख रहे हैं हम और ये हमारा हॉस्टल 18 देख रहे होंगे आप, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से पूरा आप व्यू देखिए समीर हिल से, ये IITB के सारे हॉस्टल्स, पूरा कैंपस दिख रहा है और वो फेमस हीरा नंदानी भी दिख रहा है वहाँ पे। ये कुछ गाय हैं। जय भाई अक्षय, देखना आराम से। बच गया है, बच गया, बच गया। यहाँ से आ सकते हैं, चलो बस्ती बस्ती कोई नहीं बस्ती। हम थोड़े रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे मंदिर भी है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज, योगेश के अकॉर्डिंग अभी हम कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। बजरंगबली की जय। तो गाइज, इनसे मिलिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए। हाय गाइज, आई एम हेत पटेल और मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, बढ़िया, कैसा लग रहा है समीर हिल पे आके? बाप लेवल का मजा है भाई, देखो ऐसा। तो गाइज, फाइनली कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखिए। तो गाइज, देख सकते हैं उस साइड है IIT का कैंपस और यहाँ पे थोड़ा ये स्लम एरिया है। गाइज, आप लोग देख सकते हैं मुंबई सिटी के तीन चेहरे, ये है विहार लेक, ये पूरा स्लम एरिया और ये मिनी धारावी। तो गाइज, देख सकते हैं ये है हमारी जिंदगी, ये है गरीबों की और पीछे आप देख सकते हैं अमीरों की। तो गाइज, अभी हमें पता चला है ये लोग कोई गरीब नहीं है, गरीब तो हम हैं। इनके यहाँ तो एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, हमारे IIT बॉम्बे के हॉस्टल में भी एसी नहीं लगे हैं। क्या होता है भाई? यस। तो गाइज, देखो इनको, बहुत छाते में चल रहे हैं, इतनी क्या धूप लग रही है यार योगेश भाई। अरे यार, मैं कमजोर कली हूँ यार। ठीक भाई। तो गाइज, इनसे मिलिए, इंट्रोड्यूस कराइए व्यूअर्स को। बोल के तो भाई, मैं ये बिहार लेक जा रहे हैं, मैं पहले जा चुका हूँ, इन भाइयों को लेके जाऊंगा और 15-20 मिनट का रास्ता मैक्सिमम। पुलकित भाई पहले भी जा चुके हैं तो हमको बता रहे हैं कि समीर हिल से विहार लेक जाने का रास्ता कौन सा है, कैसा है। तो गाइस, देखो यहाँ पे बिस्किट बट रहे हैं और सब
थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन, प्लीज हैव रिफ्रेशमेंट्स। एक बार फिर से थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन। तो गाइस ये है रिफ्रेशमेंट्स जेन्युइन गैंग की तरफ से, तो गाइस देख सकते हैं विहार लेक के लिए जाते हुए तो ऐसा रास्ता है। भाई तेरे सब्सक्राइबर कितने? भाई यार अभी तो 63 64 ही है। अरे भाई जब 69 के हो जाएंगे तब पार्टी चाहिए हमको। अरे बिल्कुल ले लेना। अभी विहार लेक के रास्ते पे जाते हुए हमें तीसरा मंदिर दिख गया है, ये भी हनुमान जी का है। जय हनुमान जी की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो गाइज ये है IIT बॉम्बे कैंपस की बाउंड्री और उस साइड आप देख सकते हो वो है विहार लेक। बस अब उस साइड हम जा ही रहे हैं तो चलो चलते हैं। तो अभी विहार लेक जाने के लिए मात्र यही रास्ता दिख रहा है तो यहाँ से जाते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। अभी दो पाइपलाइन अभी क्रॉस कर लिए है और ये तीसरी है, अब देखते हैं आगे रास्ता है कि नहीं, तो वापस हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। चलो रास्ता है चलते हैं। तो गाइज अभी ये पाइपलाइन क्रॉस कर लिए ये वाली, अरे सब आराम से स्क्रीन के लिए वेट करते हैं। भाई लग गई क्या? नहीं नहीं सर, राफल ढूंढा यार बैठो। अरे देखना अक्षय भाई आराम से, अभी बोल रहा हूँ सबसे बहुत नीचे हो पाइपलाइन उठ जाएगा। तो यहाँ पे रोहित भाई को नीचे उतारते हुए, रोहित भाई आराम से। ओ ये फाइनली रोहित फर्स्ट बन गया। तो रोहित भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरी फट गई थी एक क्षण के लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बढ़िया, सपोर्ट की वजह से आ पाया मैं, बस कसम से इसके लिए जिंदगी भर थैंकफुल रहूंगा। ये लास्ट पाइपलाइन है गाइस, इसके बाद खत्म है। हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम सिर्फ पोलियो वाले क्या बात कर रहे हो। जो नए बच्चे हैं ना जो यहाँ पे नए आए हैं वो नहीं जानते, जैसे हम आ गए गलती से। अरे भाई मैं क्या, आप ग्रुप में डालो हमारा फोटो निकालो, हमको इन्होंने पकड़ा था। हाँ वही 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 करने हैं। तो गाइस अभी ये लास्ट पाइपलाइन हम क्रॉस ही करने वाले थे कि उसके पहले ऊपर चढ़ के वहाँ पे जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो। अभी कुछ पुलिस वाले आए थे, आपने जैसा भी वीडियो में देखा होगा, तो वो पुलिस वाले कह रहे थे कि 15 या 1 महीने में यहाँ पे एक डेड बॉडी दिखी जाती है। तो जाना नहीं, तो हम लोग नहीं गए हैं। उन्होंने बोला कि यार सेफ एरिया में ही आप IIT के वेल एजुकेटेड लड़के हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता था, तो आप वापस चले जाइए। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हम विहार लेक, प्लान कैंसिल। तो गाइस अब घर वापसी की तैयारी हो रही है। क्यों ये सीधा रास्ता हॉस्टल 18 जाएगा ना? पता नहीं है अभी, अपने को मालूम नहीं है, इधर आगे पुलिस मिल जाए। गाइस अभी हम ट्रिप से वापस आ गए, पीछे आप देख सकते हैं हॉस्टल 18 है। तो गाइस सीन कैसा था? तो गाइस फाइनली वी आर बैक टू हॉस्टल, मैं मेरे रूम पे आ गया हूँ और अब थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे। हाँ तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो डू लाइक दिस वीडियो और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना।